आग में जल चुका पूरा पंडाल और बीच में मां दुर्गा की प्रतिमा। ये नजारा है भदोही के उस दुर्गा पंडाल का, जहां रविवार को भयावह आगजनी की घटना पेश आई थी। जिस वक्त आग लगी, उस वक्त दुर्गा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में भीषण आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 64 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 42 लोगों को वाराणसी और 4 को प्रयागराज रेफर किया गया है। भदोही में पूजा पंडाल में अग्निकांड के बाद जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अग्निशमन अधिकारियों को रामलीला समेत अन्य कार्यक्रमों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, आग बुझाने में पूरे इंतजाम आदि रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके चलते अग्निशमन टीम और थाना प्रभारी पुलिस रामलीला पंडालों का भी निरीक्षण करते हुए आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, आज सवेरे ही घटनास्थल का जायजा लिया गया। मौके पर पुलिस मौजूद है। घटनास्थल पर आम लोगों के जाने पर रोक है। हर तरफ आग की तबाही दिख रही है। पूरा पंडाल जल चुका है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा बची हुई है। पूरे पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बाकी पूरा पंडाल जलकर खाक में तब्दील हो चुका है। औराई थाना क्षेत्र में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसमें 12 वर्षीय अंकुश सोनी, 10 वर्षीय नवीन, 45 वर्षीय महिला जया देवी के उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में सभी घायलों का डिटेल सामने आ गया है, जिसके मुताबिक कुल 64 लोग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों का इलाज में आने वाले खर्च में प्रशासन मदद करेगी। आग में जल चुका पूरा पंडाल और बीच में मां दुर्गा की प्रतिमा। ये नजारा है भदोही के उस दुर्गा पंडाल का, जहां रविवार को भयावह आगजनी की घटना पेश आई थी। जिस वक्त आग लगी, उस वक्त दुर्गा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दुर्गा पंडाल में भीषण आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 64 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 42 लोगों को वाराणसी और 4 को प्रयागराज रेफर किया गया है। भदोही में पूजा पंडाल में अग्निकांड के बाद जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अग्निशमन अधिकारियों को रामलीला समेत अन्य कार्यक्रमों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, आग बुझाने में पूरे इंतजाम आदि रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके चलते अग्निशमन टीम और थाना प्रभारी पुलिस रामलीला पंडालों का भी निरीक्षण करते हुए आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, आज सवेरे ही घटनास्थल का जायजा लिया गया। मौके पर पुलिस मौजूद है। घटनास्थल पर आम लोगों के जाने पर रोक है। हर तरफ आग की तबाही दिख रही है। पूरा पंडाल जल चुका है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा बची हुई है। पूरे पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बाकी पूरा पंडाल जलकर खाक में तब्दील हो चुका है। औराई थाना क्षेत्र में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसमें 12 वर्षीय अंकुश सोनी, 10 वर्षीय नवीन, 45 वर्षीय महिला जया देवी के उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में सभी घायलों का डिटेल सामने आ गया है, जिसके मुताबिक कुल 64 लोग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों का इलाज में आने वाले खर्च में प्रशासन मदद करेगी।